का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है नागपुर के लोगों के लिए। एक के बाद एक नई परियोजनाओं की सौगात उनको मिल रही है। महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, ये अब महाराष्ट्र के लोगों के लिए खोल दिया गया है। और इस महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, समृद्धि महाराष्ट्र के समृद्धि के द्वार एक तरह से कहा जाए तो वो खोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये जो है बहुत ही, ये तस्वीरें भी अपने आप में बड़ी अविस्मरणीय हैं। प्रधानमंत्री और साथ ही साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उनके साथ में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, राज्यपाल और तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो मौजूद हैं। जिस तरह से हमने आपको बताया कि इसका शिलान्यास, इस प्रोजेक्ट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2018 में किया था और अब इसका उद्घाटन किया है। 701 किलोमीटर लंबा ये राजमार्ग है और 8 घंटे में नागपुर से शिरडी पहुंचा जा सकेगा इस राजमार्ग के जरिए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से, किस गति से इसका परिचालन हो सकेगा। एक राइड प्रधानमंत्री शायद देना चाहेंगे इस हाईवे की। और फिलहाल इस हाईवे पर कदम बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ में महाराष्ट्र के लगभग जो बीजेपी के तमाम प्रमुख नेता हैं वो भी मौजूद हैं, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और ये देखिए, ये एक जो रंगारंग कार्यक्रम है वो भी रखा गया है। प्रधानमंत्री के स्वागत में ढोल नगाड़े के साथ में उनका स्वागत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री उन सब के बीच में स्वयं पहुंचे हैं। ये बड़ा निराला अंदाज है प्रधानमंत्री का, वो स्वयं पहुंच जाते हैं ऐसे लोगों के बीच में। उनका उत्साह जो है, जो स्वागत करता है उनका उत्साह अपने चरम पर पहुंच जाता है, दोगुना हो जाता है जब वो देखते हैं कि उनके जो खास मेहमान हैं वो वहां पहुंच जाते हैं। बहुत विशेष तैयारियां भी की गई हैं और समृद्धि का मार्ग, विपुलता का मार्ग, प्रगति का मार्ग, प्रगति का महामार्ग, विकास का महामार्ग, महाराष्ट्र के विकास का महामार्ग जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसका उद्घाटन किया है, ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक विकास की गति देगा, सभी क्षेत्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए एक गेटवे की तरह काम करेगा ये एक्सप्रेस हाईवे। ये एक्सप्रेसवे मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और नागपुर में मल्टी मॉडल इंटरनेशनल हब एयरपोर्ट को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा और इसको सफल बनाने के लिए महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम ने, MSRDC ने लगातार काम किया है और इसका निर्माण समय पर पूरा करके दिया है। ढोल नगाड़े बाजे गाजे के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री इस हाईवे पर का एक जो है पर मौजूद हैं और यहां से वो एक राइड शायद लेना चाहेंगे, हम देखेंगे आगे की तस्वीरों में। तो निश्चित तौर पर ये जो तस्वीरें थी वो बेहद महत्वपूर्ण थी। एक नए शानदार एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, महाराष्ट्र समृद्धि महा।
महाराष्ट्राच्या समृद्धीची भाग्य रेषा. नागपूर मुंबईला जोडणारा 701 किलोमीटरचा ग्रीन फील्ड हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग. नागपूर मुंबई समृद्धी महामार्गावरून ज्या गतीने प्रवास होणार आहे त्याच वेगाने महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. पायाभूत सुविधांमध्ये महाराष्ट्राला प्रथम क्रमांकाचं राज्य करण्याचा आमच्या सरकारचा निर्धार आहे. महाराष्ट्राची भाग्यरेषा ठरणारा हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग केवळ विदर्भ मराठवाडा नव्हे तर साऱ्या राज्यासाठी फलदायी ठरणार आहे. महाराष्ट्राच्या समृद्धीची भाग्य रेषा. नागपूर मुंबईला जोडणारा 701 किलोमीटरचा ग्रीन फील्ड हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग. नागपूर मुंबई समृद्धी महामार्गावरून ज्या गतीने प्रवास होणार आहे त्याच वेगाने महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. पायाभूत सुविधांमध्ये महाराष्ट्राला प्रथम क्रमांकाचं राज्य करण्याचा आमच्या सरकारचा निर्धार आहे. महाराष्ट्राची भाग्यरेषा ठरणारा हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग केवळ विदर्भ मराठवाडा नव्हे तर साऱ्या राज्यासाठी फलदायी ठरणार आहे. महाराष्ट्राच्या समृद्धीची भाग्य रेषा. नागपूर मुंबईला जोडणारा 701 किलोमीटरचा ग्रीन फील्ड हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग. नागपूर मुंबई समृद्धी महामार्गावरून ज्या गतीने प्रवास होणार आहे त्याच वेगाने महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. पायाभूत सुविधांमध्ये महाराष्ट्राला प्रथम क्रमांकाचं राज्य करण्याचा आमच्या सरकारचा निर्धार आहे. महाराष्ट्राची भाग्यरेषा ठरणारा हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग केवळ विदर्भ मराठवाडा नव्हे तर साऱ्या राज्यासाठी फलदायी ठरणार आहे. महाराष्ट्राच्या समृद्धीची भाग्य रेषा. नागपूर मुंबईला जोडणारा 701 किलोमीटरचा ग्रीन फील्ड हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग. नागपूर मुंबई समृद्धी महामार्गावरून ज्या गतीने प्रवास होणार आहे त्याच वेगाने महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. पायाभूत सुविधांमध्ये महाराष्ट्राला प्रथम क्रमांकाचं राज्य करण्याचा आमच्या सरकारचा निर्धार आहे. महाराष्ट्राची भाग्यरेषा ठरणारा हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग केवळ विदर्भ मराठवाडा नव्हे तर साऱ्या राज्यासाठी फलदायी ठरणार आहे.
नदीची भाग्य रेषा नागपूर मुंबईला जोडणारा 701 किलोमीटरचा ग्रीन फील्ड हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग नागपूर मुंबई समृद्धी महामार्गावरून ज्या गतीने प्रवास होणार आहे त्याच वेगाने महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत। पायाभूत सुविधांमध्ये महाराष्ट्राला प्रथम क्रमांकाचं राज्य करण्याचा आमच्या सरकारचा निर्धार आहे। महाराष्ट्राची भाग्यरेषा ठरणारा हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग केवळ विदर्भ मराठवाडा नव्हे तर साऱ्या राज्यासाठी फलदायी ठरणार आहे। महाराष्ट्राच्या समृद्धीची भाग्य रेषा नागपूर मुंबईला जोडणारा 701 किलोमीटरचा ग्रीन फील्ड हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग। नमस्कार मंडळी, नमस्कार। आवाज ऐकू येतोय का? मागपर्यंत येत असेल तर हात हलवून दाखवा मला। थँक्यू। वा, छान दिसतंय सगळे। तर मंडळी, स्क्रीनवर पण दिसतंय, मला दिसतंय इकडे लाईव्ह फीड मध्ये मॉनिटरवर। सर्वांचा उत्साह अगदी कौतुक करण्यासारखा आहे। तुम्हाला मी इथे सांगू इच्छिते की काही वेळापूर्वी हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचं उद्घाटन भारताचे पंतप्रधान माननीय श्रीयुत नरेंद्र मोदी साहेब यांच्या हस्ते झालेलं आहे। आणि थोड्याच वेळात एम्सच्या या परिसरात त्यांचं आगमन होईल। सर्वप्रथम एम्सच्या काही प्रकल्पांचं